बसमिल्लाम शिर की शनात इससे कबल पोस्ट में हमने शर के मानी और इस उम्मत में फैले हुए कुछ मश्रकाना अकायद अमाल के बारे में बताया था उस पोस्ट में हमने अल्लाह का हुक्म बयान कर दिया था कि शर की हालत में वफात पाने वाले के लिए अल्लाह तुम ने हमेशा हमेशा की जहन्म लाजिम और उस पर जन्नत हराम होने का ऐलान किया है इस पोस्ट में हम इन श और हदीस से इन बातों की मज़ीद निशानदही करेंगे कि शिर किस कदर शनि फ़ेल है अनाम में अल्लाह ताला ने अठारह बरगजीदा अम्बिया यानी इसहाक याकूब नूह दाऊद सुलेमान अयूब यूसुफ मूसा हारून जकरिया यहा इलियास इसमाइल यसा यूनस لوط عليه السلام كذكر کے فرمایا أعوذ بالله من, من الشيطان الرجيم ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورة الأنعام آيات 86 تا 88 ترجمة أرلوت کو بي هم نے ہر ایک کو دنيا والوں پر فضیلت عطا کی और उनके अबाऊ अजदाद और औलाद और भाइयों में से भी और हमने उनको मुंतखब कर लिया और रास की तरफ उनकी रहनुमाई की और ये अल्लाह की हिदायत है इससे वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है नवाजता है और अगर बेफर्ज महाल वो शिरक कर लेते तो उनका किया हुआ सब ज़ाया हो जाता सूरत जुमर में मज़ीद फरमाया

तुमने शर्क किया तो तुम्हारे अमाल जब्त कर लिए जाएंगे और तुम यकीन खसारा पाने वालों में हो जाओगे अम्बिया अल्लाम कभी भी शिरक करने वाले नहीं होते बल्कि वो तो शर्क को ख़त्म करने के लिए आते हैं यहां शर की शनाख्त बयान करने के लिए उन अट्ठारह अम्बिया का नाम लेकर और फिर सूरत जुमर में नबी वसल्लम को मुखातब करके फरमाया गया कि कहीं अगर हमारे नबी भी अस्तफ़र शिरक करते तो उनके सारे के सारे अमाल उनकी सलाह उनके तहजद गुजारियाँ उनके सोम उनका अल्लाह की राह में निकलना ये सब बर्बाद हो जाता और वो अल्लाह के यहाँ नुकसान उठाने वालों में होते मश्रक़ कौमें तबाह कर दी जाती हैं सूरतरूम आयत नंबर बयालीसब <कुल> अक्सर मुशरिकीन तर्जमा कह दो कि ज़मीन पर चलो फिरो फिर देखो क्या अंजाम हुआ इससे पहली कॉमों का उनकी अक्सरियत मुशरिक बन गई थी इस आयत में बताया गया कि जिन कौमों में लोग कसरत से शर्क करने लगते हैं उन पर अल्लाह का आदाब आ जाता है कुरान क़रन हदीस में कई अकवाम का जिक्र है कि अल्लाह तक को आजाब से हलाक कर दिया सूरताम की आयत में बताया गया कि अमन हिदायत किन के लिए है सूरतम आयत नंबर बयासी तर्जमा जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में जुल्म की आजमाइश नहीं की उन ही के लिए अमन है और वही हिदायत पर है जब ही आयत नाजिल हुई तो सहाब ने नबी वसल्लम से अर्ज की कि हम में से कौन है जिसने जुल्म नहीं किया तो अल्लाह तरमायाकमान आयत नंबर तेरह तर्जमा बेशक शिर सबसे बड़ा या बहवाला बुखारी किताबल ईमान बाप धूना यानी ईमान वही मोतबर है जिसमें शर्क का शायबा भी ना हो दावा ईमान भी हो और कुफर शिरक भी हो रहा हो तो ऐसा ईमान अल्ला त यहाँ काबिल कबूल नहीं सोरा यूसफ़ में फरमाया सूर्य यूसफ़ आयत नंबर 106 सौ तर्जमा और ईमान नहीं लाती लोगों की अक्सरियत अल्लाह पर मगर वो शिरक करते हैं की इस आयत में अल्लाह ताला ने वाजे किया कि अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद लोगों की अक्सरियत शर्क में मुलव होती है यानी दावा के हमारा तोकुल अल्लाह ताला पर है लेकिन बीमारी दूर करने रोज़गार में इजाफे के लिए तावीज़ लटकाते हैं हिफाजत के लिए इमाम जामिन बांधते हैं तो बताएं ये कैसा ईमान है जब तवकुल अल्लाह से हट गया और दूसरी चीज़ पर हो गया तो यक़ीनन ये शर्क हो गया तो ऐसी अवाम पर जिनमें शर्क समा जाता है अल्लाह ताला अज़ाब भेजा करता है मुशरिक के लिए दुआए मगफिरत करना भी मना है सूरह तौबा में अल्लाह फरमाता है मा काना लिन। النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم سورة توبة آية نمبر 113 ترجمة نبي صلى الله عليه وسلم اور ایمان والوں کے لئے یہ مناسب نہیں कि वो मुशरिकों के लिए मकफरत की दुआ करें खाह वो उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो जबकि उन पर यह बात वाजे हो चुकी है कि वो जहनुमी हैं। सूर हशर में एक तरफ खुद अल्लाह ताला ने मोमिनीन को अपने से पहले गुजरे हुए लोगों के लिए दुआ करना सिखाया लेकिन किस कदर बदनसीब होता है ये मशरक अल्लाह तबी सल्हसम और ईमान वालों को मना कर दिया कि वो किसी मुशरक के लिए मफफरत की दुआ ना करें सलातुलमैत में भी दुआई मफफरत ही होती है लिहाजा जान ले कि ऐसा शख्स जो शिरक पर मरे उसकी ना ही सलातुलम अदा करें और ना ही किसी और वक्त उसके लिए मफफरत की दुआ करें मश्रक से निकाह भी मना है सूर्य बकरा में अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تركحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون बकरा आयत नंबर दो सो इक्कीस तर्जमा तुम मुशरिका औरतों से निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आए एक मोमिना बांदी मुशरिका खातून से बेहतर है खा व तुम्हें बहुत ही पसंद क्यों ना हो और मोमिना खुवातन को मशरक मर्दों के निकाह में ना दो जब तक कि वो ईमान न ले आए मोमिन गुलाम भी मशरक से बेहतर है ख्वाह तुम्हें बहुत ही पसंद क्यों ना हो ये तो तुम्हें जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह तुम्हें अपने हुक्म से जन्नत मगफरत की तरफ बुलाता है और लोगों के लिए अपनी आयात वाज तौर पर बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें अल्लाह मुशरिक से किस कदर नफरत करता है कि अपने मोमिन बंदों को हुक्म दे रहा है कि मोमिन मर्द किसी भी मश्रक से हरगज़ निकाह ना करे और फरमाया कि उस मशरका के मुकाबले में एक मोमिना बांदी बहुत बेहतर है खाव मशरिका तुम्हें कितनी ही पसंद क्यों ना हो इसी तरह एक मोमिना का निकाह किसी मुशरिक मर्द से हरगज़ ना किया जाए उसके मुकाबले में एक मोमिन ग़ुलाम बहुत ज़्यादा बेहतर है ये हुक्म इसलिए दिया गया है कि मशरक से निकाह के बाद फिर मुशरकों के रस्म रिवाज को अपना लिया जाता है और बिलाखिर उसका अंजाम हमेशा की जहनुम ही होता है अलबत् सरय मायदा में मोमिन मर्दों को इस बात की रुख़त दी गई है कि अहल किताब की पाक दामल खातियों से निकाह कर सकते हैं याद रहे कि यह सिर्फ एक रुखसत है वरना हुक्म वही है कि मुशर से निकाह ना किया जाए इस पोस्ट के आखिर में हम हज की एक आयत बयान कर रहे हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुशरक का क्या अंजाम है हुनफा बिल्लाही भी भी फी सहीक। तर्जमा अल्लाह के लिए यकसू हो जाओ और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया तो वो ऐसा है जैसे वो आसमान से गिरे फिर उसे परिंदे उचक ले जाए या हवा उसे किसी दूर दराज मकाम में ले जाके फेंक दे इन जारी है